नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, उसे मोदी सरकार पूर्ण करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आजादी के उन मतवालों का बस एक ही सपना था, देश को आजाद कराना। उनके मन में एक ही पीड़ा थी, देश को आजाद करा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए आज ही के दिन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि अनेक क्रांतिकारियों के आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष से हम सबको प्रेरित होते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी तरह लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को हम सब पर थोपा गया, अब तक वहीं सब चल रहा था, लेकिन आज इन सब से निजात देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की बात हो या 3 तलाक कानून से लेकर राम जन्मभूमि की, आज हम यहां सब कह सकते हैं कि हमने सही मायने में पूर्ण आज़ादी की ओर आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव सूचना दिलीप जावलकर, अपर महानिदेशक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री नरेंद्र कुमार कौशल आदि उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।